नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान आई रिन इंडिया से। आज 22 नवंबर 2023 को देश में धान चावल की क्या स्थिति है, कितनी खरीद पहुंची, कितना उत्पादन पहुंच सकता है और विदेशी बाजारों में क्या हलचल है, इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर अच्छी जानकारी मिल सके। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर कार्य अपने विवेक से करें और अपने जोखिम से करें। तो आइए बात करते हैं कि इस साल धान का सरकार ने क्या लक्ष्य दिया और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मंडियों में किस प्रकार धान की आवक हो रही है तथा निर्यात में क्या चल रहा है। इस साल जो पहले खरीफ आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 2023 में चावल का उत्पादन 1063.1 लाख टन दिया है, जो पिछले वर्ष 1105.1 लाख टन था। यानी उत्पादन अनुमान घटाया गया है पिछले वर्ष के अनुमान से, खरीफ अनुमान से, जिसका कारण हम देखें तो प्रतीत होता है कि एल नीनो के कारण कुछ राज्यों में पानी की कमी है, कुछ राज्यों में जैसे पंजाब है वहाँ पर बाढ़ आई थी, उसकी वजह से भी उत्पादकता पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं मंडियों की। धान की मंडियों में सबसे अधिक जहाँ सरकारी खरीद की जाती है पंजाब के अंदर कितनी आवक हो चुकी है, उसमें से कितना माल FCI और देश की विभिन्न एजेंसियों ने खरीदा है वो बताना चाहेंगे। पंजाब की में 22/11/23 यानी कल तक आज तक करीब 179.45 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है, जिस और प्राइवेट बायर्स ने 62,000 टन का माल खरीदा है उसमें, और टोटल सेल जो है 180.08 लाख टन दर्ज की गई है। 1.54 लाख टन अभी अनसोल्ड है और जिसकी लिफ्टिंग की जा रही है। हरियाणा जो दूसरा बड़ा राज्य है चावल उत्पादन नॉर्थ इंडिया में चावल उत्पादन मामले में, हरियाणा में भी कोई विशेष मतलब एज सच लास्ट ईयर से हमें आवक कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। और हरियाणा में आज दोपहर तक 55.95 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है और 1217 टन की अभी मतलब पेंडिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर भी सरकारी खरीद चालू है दोनों राज्यों में, और दोनों राज्यों में अगर आप देखें तो ये लास्ट ईयर से हमें सरकारी खरीद कमज़ोर नज़र आ रही है। पंजाब में पिछले साल से खरीद इसलिए पिछड़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जो बाढ़ हुई थी उससे फसल कई इलाकों में धान की दोबारा रोपाई करनी पड़ी थी, इस वजह से फसल लेट आ रही है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो जब से गैर बासमती चावल पर 20% का शुल्क लगाया है और अन्य किस्मों के निर्यात तो नियमों में बदलाव किया है, बासमती चावल के निर्यात पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो $950 की है, उसके बाद घरेलू बाजारों में खासकर बासमती में तेजी का माहौल बना है। गैर बासमती चावल और धान की कीमतें भी अच्छी बनी हुई हैं, किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। विदेशों से अगर बात करें तो विदेशों से भारतीय बासमती चावल की डिमांड भी निकल रही है, साथ ही ब्राउन राइस की भी डिमांड निकली है और उस पर 20% शुल्क लगता है। तो वियतनाम ने भारत से $500 प्रति मेट्रिक टन के FOB भाव पर करीब 5,000 टन चावल खरीदा है, और पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में वियतनाम में चावल के भाव $510 से $515 प्रति मेट्रिक टन FOB बोले गए, पिछले सप्ताह से $10 तेज हैं। थाईलैंड में 585 और पाकिस्तान में 546 से 550। FCA के खरीद की बात करते हैं तो असली स्थिति हमें दिसंबर में मालूम होगी, और सरकारी खरीद पिछले वर्ष से 4.4% घटकर अब तक 161.3 लाख टन हो चुकी है, ये FCA द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। और 1 नवंबर को FCA में करीब 200.4 लाख टन का स्टॉक उपलब्ध था, और जो एक साल पहले 166 लाख टन था, यानी केंद्रीय पुल में FCI में स्टॉक बढ़ा है लास्ट ईयर से। थाईलैंड सरकार ने किसानों को माल ना देने के लिए सब्सिडी दी है ताकि वो
देश में चावल की किल्लत ना पड़ सके, सरकार थाईलैंड के किसानों को सरकार रखरखाव के लिए पैसा दे रही है, क्योंकि वहाँ भी उत्पादन प्रभावित हुआ है। थाईलैंड के साथ साथ इंडोनेशिया में भी उत्पादन प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखें तो पूरे विश्व में अलनीनो के कारण जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें उत्पादन इस साल घटा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने निर्यात नियमों में बदलाव किए थे। पूरे खरीद की बात करते हैं तो अब तक हमारी जो खरीद है सरकारी खरीद FCI द्वारा जो FCI के पोर्टल से हमें जानकारी मिली है वो लास्ट ईयर से जो है हमें कमज़ोर दिखाई दे रही है, और विभिन्न राज्यों में सरकारी खरीद अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। पंजाब से कल तक करीब 175, हरियाणा से 58.75, तेलंगाना में 8.07, छत्तीसगढ़ में 6.34, तमिलनाडु में 5.38, उत्तराखंड में 3.97, उत्तर प्रदेश में 3.75, हिमाचल प्रदेश में 21,000, केरल में 17,000, जम्मू और कश्मीर में 16,000, बिहार में 13,000 और गुजरात में 6,000 मैट्रिक टन पहुंची है। कुल खरीद 261.98 लाख टन दर्ज की गई है। देखिए, अगर उत्पादन हमारा प्रभावित होता है और निर्यात पर तो प्रतिबंध लंबे समय तक लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उत्पादन प्रभावित होने से जो मार्केट के सेंटिमेंट हैं वो अच्छे रहेंगे, और हमें लगता नहीं कि चावल की कीमतों में कोई गिरावट दिखाई देगी, धान की कीमतों में गिरावट दिखाई देगी। बासमती चावल बाजार बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमें लगता नहीं कि भविष्य में चावल की कीमतों में विशेष गिरावट या कोई देखने को नहीं मिलेगी, बाजार उसे ही रहेंगे। धन्यवाद।